कैमरा ऑन कर दो।
लाइट चलाने की जरूरत नहीं, इसका वॉल्यूम ऑफ है।
नमस्कार हरसिमरत जी। नमस्कार मंत्री जी, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। आपको स्वागत है। अच्छा, नमस्कार तिवारी जी। प्रणाम सर। आपकी पूरी टीम को बधाई, शुभकामना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत। नमस्कार। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा की संकल्प से सिद्धि की ओर सत्ता को निरंतरता और तीव्रता प्रदान करने की दिशा में आज विश्वविद्यालय इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे देश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर एवं इसमें नवनिर्मित भवनों को देशवासियों को लोकार्पित करेंगे। इस पावन अवसर पर आभासी पटल के माध्यम से हमारे साथ उपस्थित मैडम श्री हरसिमरत कौर जी बादल, सांसद बठिंडा लोकसभा क्षेत्र व पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री अति विशिष्ट अतिथि एवं संस्थापक कुलपति प्रोफेसर जयरूप सिंह व प्रोफेसर पूर्व कुलपति प्रोफेसर आर के कोहली जी व कार्य परिषद व शैक्षणिक परिषद के सदस्य जुड़ चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रथा के अनुसार इस कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलगीत से होगी, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाए। माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, मैडम श्रीमती हरसिमरत कौर जी बादल, सांसद बठिंडा लोकसभा क्षेत्र एवं पूर्व खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और अन्य सभी महानुभावों का अभिनंदन करने के लिए एवं माननीय मंत्री जी के समक्ष विश्वविद्यालय की प्रगति पर प्रकाश डालने का अनुनय करता हूँ। श्रीमान कुलपति महोदय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा के इस ऐतिहासिक क्षण के मुख्य अतिथि परम सम्मानी श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, सम्माननीय श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, माननीय सांसद बठिंडा संसदीय क्षेत्र एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपतिगण प्रोफेसर जयरूप सिंह जी और प्रोफेसर आर के कोहली जी, हमारे विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सम्माननीय सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव जी, विश्वविद्यालय के सभी संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, प्रिय विद्यार्थियों एवं पंजाब प्रांत के सम्माननीय जनमानस, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण, आप सबको नमस्कार। पंजाब वीरता, बलिदान और वैभव की भूमि, जिसके कण कण में भारत के गौरवशाली इतिहास की कथाएं धधक रही है और जो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के 10 महागुरुओं के कर्म एवं त्याग की साक्षी बनी एवं 5 पवित्र नदियां जिसका निरंतर अभिषेक करती हैं, आज ऐसे ही शौर्य और शांति की धरती पर ज्ञान के इस पावन स्थापत्य के लोकार्पण के अवसर पर प्रख्यात चिंतक, विचारक, समाजसेवी,
कवि कथाकार एवं देश को सर्वसमावेशी भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों द्वारा पोषित शिक्षा नीति देने वाले यशस्वी और कर्मवीर माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का मैं इस पावन धरा की ओर से समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और स्वयं की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। सम्माननीय श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी, सांसद बठिंडा संसदीय क्षेत्र एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जिनके कुशल एवं सफल नेतृत्व में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व नवाचार एवं उद्यमिता के विकास का लाभ देश के युवाओं को मिला। पंजाब की ऐसी कर्मठ पुत्री का मैं उनकी ही कर्म भूमि में बहुत ही विनम्रता पूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय के माननीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर जयरूप सिंह जी, प्रोफेसर आर के कोहली जी और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सम्मानित सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव जी को हम सभी अपने पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने एवं हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए स्वागत करता हूँ। पंजाब प्रांत के सम्माननीय जनमानस, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगणों का भी इस कार्यक्रम में समस्त सहभागियों का हम सब हार्दिक स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, वर्ष 1991, 1993 और 1996 में कर्ण प्रयाग से लगातार 3 वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1997 में उन्हें पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तरांचल विकास विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया और 1998 में संस्कृत एवं धर्मस्व मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। आपकी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता को देखते हुए वर्ष 2000 में पृथक उत्तरांचल की पहली सरकार में आपको वित्त, ग्राम विकास, चिकित्सा सहित 12 विभागों का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तत्पश्चात आप 2007 से 2009 तक उत्तराखंड सरकार में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कैबिनेट मंत्री रहे। इसी वर्ष जून में ही डॉक्टर निशंक को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया और आपने इस पद को 2011 तक सुशोभित किया। वर्ष 2011 में आपको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और जिसे आपने वर्ष 2013 तक निभाया। इसके बाद वर्ष 2014 में डॉक्टर निशंक ने कांग्रेस के कट्टरपंथ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत को हराकर हरिद्वार लोकसभा सीट से विजयी हुए। तब से लेकर 2019 तक आप लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति के सभापति भी रहे। एक बेहद गरीब परिवार से आने वाले माननीय मंत्री जी की शिक्षा के प्रति लगन इसी बात से जानी जा सकती है कि वो पढ़ने के लिए 7 किलोमीटर लंबी कठिन पहाड़ी रास्तों को पार किया करते थे। डॉक्टर निशंक एक कुशल राजनीतिक के साथ साथ एक समर्थ लेखक भी हैं। आप 75 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं जिनमें काव्य संग्रह और कथा संग्रह शामिल है। आपकी बहुत सी रचनाओं का अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मराठी, जर्मन, फ्रेंच आदि 10 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। माननीय मंत्री जी की काव्य रचनाओं का अनावरण पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवं श्री प्रणब मुखर्जी सहित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुषों ने किया एवं आपकी रचनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। माननीय मंत्री जी के सम्मान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि डॉक्टर निशंक दुनिया के ऐसे पहले राजनीतिज्ञ हैं जिनमें राजनीति, साहित्य और संस्कृत का एक अनुपम समागम देखने को मिलता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समारोह के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि शायद ही दुनिया का ऐसा कोई राजनीतिज्ञ हो जो राजनीति और साहित्य दोनों में एक साथ सक्रिय हो। डॉक्टर निशंक देश के पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनकी 25 से ज्यादा रचनाओं पर पीएचडी और डीलिट स्तर पर शोध कार्य हो रहा है। आपकी रचनाओं पर 7 शोध और 7 लघु शोध हो चुके हैं जबकि 10 शोध और 2 डीलिट चल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय संभालने वाले माननीय डॉक्टर निशंक पहले ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी यथा भूटान, युगांडा, नेपाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं उनकी साहित्यिक कला को UAE, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, यूक्रेन, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड में सम्मानित किया जा चुका है। देश के ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से
एक की कमान संभालने एवं देश विदेशों से सम्मानित होने के बावजूद भी माननीय डॉक्टर निशंक मितवासी होने के साथ साथ बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और इतने सालों की कड़ी मेहनत के बावजूद आज भी स्वयं को देश सेवा के लिए तत्पर रखते हैं और पूरे दिन में सिर्फ 4-5 घंटे ही विश्राम करते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगी कि हमारे यशस्वी एवं दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण मंत्रालय का दायित्व माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की बौद्धिकता एवं कर्मठता को परखते हुए सौंपा। आज विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित भवनों का माननीय मंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण करने हेतु हमारा विश्वविद्यालय मनसा वाचा कर्मणा भाव से माननीय मंत्री महोदय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। परम पिता परमेश्वर से हमारी यह अभ्यर्थना है कि आपके सामाजिक जीवन को नया आकाश और आपके हौसले को ऊंची उड़ान मिले, आपके लोकहित का संकल्प सतत प्रबल रहे और आपका जीवन विराट एवं कल्याणमयी यश का पुरस्कर्ता बने। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत हुई। 28 फरवरी 2009 को संस्थापक कुलपति प्रोफेसर जयरूप सिंह जी ने विश्वविद्यालय का कार्य कुलपति आवास D13 सिविल स्टेशन से आरंभ किया। तदुपरांत मानसा मार्ग पर 37 एकड़ भूमि में अस्थायी परिसर में विश्वविद्यालय ने पठन पाठन एवं शोध का कार्य शुरू किया। आरंभिक दौर में 4 विषयों में 5-5 सीटों के साथ MPhil PhD की एकीकृत पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। वर्तमान में 31 विभागों द्वारा 42 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं 35 शोध के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। वर्ष 2009 में 10 विद्यार्थियों से अकादमिक यात्रा शुरू करने वाला यह विश्वविद्यालय में आज कुल 1468 छात्र हैं, 138 शिक्षक एवं 92 कर्मचारी हैं। विशेष बात यह है कि इस विश्वविद्यालय में 28 राज्यों से विद्यार्थी, 19 राज्यों से शिक्षक एवं 12 राज्यों से कर्मचारी कार्यरत इसको मिनी इंडिया का प्रारूप प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय के 2 शिक्षकों ने 36वें अंटार्कटिका भारतीय मिशन में वर्ष 2016-17 में भाग लिया। विश्वविद्यालय के पास अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला है जिसका उपयोग विश्वविद्यालय के शोधार्थियों एवं शिक्षकों के इतर अन्य लोग भी करते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न केंद्रीय पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए दिन में 18 घंटे खुला रहता है। साथ ही विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से किसी भी स्थान से इसका उपयोग कर सकते हैं। वर्ष 2009 में स्थापित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में हमारा विश्वविद्यालय शोध पत्रों के प्रकाशन एवं शोध परीक्षाओं की दृष्टि से अग्रणी है। वर्ष 2016 में NIAC के द्वारा इसे A-grade प्रदान किया गया एवं विगत 2 वर्षों से निरंतर NIRF में हम देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान बनाने में सफल हुए हैं। विश्वविद्यालय में मुख्यतः मानव मस्तिष्क, फेफड़ों और स्तन कैंसर पर बायो हर्बिसाइड्स बनाने हेतु नैनो मटीरियल्स को विकसित करके जल प्रदूषण निस्तारण हेतु जल व मृदा में आर्सेनिक, कॉपर एवं निकल की जांच के लिए बायोसेंसर विकसित करने हेतु स्थानीय मृदा में बैक्टीरिया की मदद से गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि आदि समाजोपयोगी विषयों पर शोध हो रहा। साथ ही अन्य समसामयिक विषयों पर भी शोध शुरू किए जाएंगे। 2017 के राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यार्थी सूरज का उपाध्याय द्वारा रचित कविता अभी तो सूरज उगा है का माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में वाचन किया था। स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने वाले कई विद्यार्थी विश्व के शीर्ष शैक्षणिक स्थानों में PhD एवं पोस्ट डॉक हेतु शोधरत हैं। छात्र गौरव जोशी को वर्ष 2018 सन फार्मा साइंस स्कॉलर पुरस्कार दिया गया। छात्र जसकरण सिंह को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की IT ओलंपियाड में IT जीनियस ऑफ इंडिया का पुरस्कार दिया गया। विगत वर्ष में विश्वविद्यालय के 174 विद्यार्थियों ने UGC नेट JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की। बठिंडा शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर हुद्दा गांव में 500 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर का शिलान्यास वर्ष 2015 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी के कर कमलों द्वारा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल एवं तत्काल
तत्कालीन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का स्थायी भवनों के निर्माण हेतु चयन किया गया। अभी तक 11 भवनों का निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ है एवं अन्य भवनों का निर्माण प्रगति पर है। इन भवनों का लोकार्पण आभासी पटल पर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक के कर कमलों द्वारा, हमारे माननीय सांसद महोदय श्रीमती हरमंत सिंह कौर बादल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रही है। मैं आप दोनों का हृदय से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ साथ कार्यात्मक व्यावसायिक एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों के गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन एवं समोचनों की समीचीन विषयों पर शोध करने हेतु आवश्यक सभी भौतिक एवं अकादमिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन कटिबद्ध है। इस विशाल परिसर का उपयोग वृहद स्तर पर कमर्शियल फलदायक एवं औषधि पौधों के वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा, जिससे स्वयं के वित्तीय स्रोत सृजन हो सके एवं विश्वविद्यालय परिसर में जैव विविधता को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर को ग्रीन कैंपस मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय ने विगत 11 वर्षों में अथक प्रयासों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इस हेतु हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार विश्वविद्यालय के दो सम्माननीय पूर्व कुलपतियों शिक्षकों कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को कोटि साधुवाद देता है एवं पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को हमें 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए और इस विश्वविद्यालय की नींव बहुत ही ठोस आधार पर चलाने के लिए हमें विश्वविद्यालय के लिए जो आपका योगदान है उसको आज हम सब स्मरण करते हैं। स्थायी परिसर में उच्च कोट की शिक्षा प्रदान करने के साथ ही स्थानीय एवं क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु शोध कार्य करके वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को चरितार्थ करने हेतु विश्वविद्यालय परिवार वचनबद्ध है। कौशल एवं संपूर्ण व्यक्तित्व विकास द्वारा युवाओं को वैश्विक क्षमताओं से युक्त करना ही हमारा उद्देश्य है, जिससे कि वे राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक संरचना में सार्थक योगदान के द्वारा हमें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक बनते हुए राष्ट्र की गौरवशाली संस्कृति एवं परंपरा के संपोषक एवं संवाहक बने। ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब हम भारत केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी आयामों को उनकी मूल भावनाओं के सहित अपने विश्वविद्यालय में क्रियान्वित करें। इस पावन अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कटिबद्ध है। एनईपी 2020 के माध्यम से शिक्षा के समयानुकूल सार्वभौमीकरण एवं लोकतांत्रिकरण हेतु किए जा रहे अथक एवं सतत प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी निशंक का कोटि से स्वागत वंदन एवं अभिनंदन। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद कुलपति महोदय। अब हम इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए सब अतिथियों को लेकर चलते हैं पंजाब राज्य के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की ओर, जहां हमारा नव विकसित विश्वविद्यालय परिसर का आभासी भ्रमण अर्थात वर्चुअल टूर पर। भारत तथा विश्व अकादमिक शिक्षा पर एक नए अध्याय के रूप में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय की यात्रा संसदीय अधिनियम द्वारा 2009 में आरंभ हुई तथा आज 2020 में विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर तैयार है। पंजाब सरकार द्वारा बठिंडा के कुत्ता गांव में उपलब्ध करवाई गई 500 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास 2015 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति दुबे तिवारी द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर पर्यावरण के अनुकूल एवं ऊर्जा संरक्षण में सक्षम गृहा 5 नियमों के अनुरूप है। अपने मास्टर प्लान के लिए शहरी विकास मंत्रालय का उच्चतम पुरस्कार 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला यह देश का पहला परिसर है।
परिसर के प्रथम चरण का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के स्मारक के अतिरिक्त 8 भवनों जिनमें कार्मिक खंड, लड़कों के लिए छात्रावास, लड़कियों के लिए छात्रावास, विद्यार्थियों हेतु भोजनालय खंड, अतिथि के लिए कर्मचारियों के आवास हेतु ए टाइप, टी टाइप तथा एफ टाइप भवनों का निर्माण संभव है। विश्वविद्यालय में प्रवेश पर एक स्मारक का निर्माण किया गया है, जो देश के किसानों, जवानों, विज्ञान, शोध एवं नवाचार को समर्पित है तथा जिस पर जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान अंकित है। यह स्मारक देश के विकास हेतु कार्य करने वाले सभी लोगों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। विश्वविद्यालय परिसर में अकादमिक खंड एक 6 मंजिला केंद्रीकृत वातानुकूलित व्यवस्था वाला भवन है। इस भवन का विस्तार 30,413 वर्ग मीटर है। इस खंड में 2200 विद्यार्थी एवं अध्यापक समायोजित हो सकते हैं। अकादमिक खंड में आधुनिक सुविधाओं से लैस 106 प्रयोगशालाएं तथा 36 कक्षाएं हैं, जिनमें 3 तरफ से निकासी के लिए प्रावधान है। इस खंड में 125 सीटों की क्षमता वाले 2 संगोष्ठ कक्षों का निर्माण किया गया है। विश्वविद्यालय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने हेतु 250 सीटों की क्षमता वाले स्मार्ट कक्षा कक्ष भी बनाए गए हैं। लड़कों के लिए छात्रावास हेतु 8 मंजिला वातानुकूलित व्यवस्था वाला भवन है। इस भवन का विस्तार 7,071 वर्ग मीटर है। इस छात्रावास में 308 छात्र समायोजित हो सकते हैं। इस छात्रावास में सामूहिक कक्ष, अध्ययन कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, प्रबंधक कार्यालय तथा अतिथि कक्षों का प्रावधान भी किया गया। लड़कों के छात्रावास की भांति ही लड़कियों के लिए भी 8 मंजिला वातानुकूलित व्यवस्था वाला छात्रावास भवन है। इस भवन का विस्तार 7,071 वर्ग मीटर है। इस छात्रावास में 308 छात्राएं समायोजित हो सकती हैं। एक लड़कों और एक लड़कियों के लिए 2 अन्य छात्रावास, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 600 विद्यार्थियों की होगी, निर्माणाधीन है। विद्यार्थी भोजनालय खंड एक 2 मंजिला वातानुकूलित व्यवस्था वाला भवन है। यह भवन 3,213 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इस भवन में एक साथ 650 विद्यार्थी भोजन कर सकते हैं। इस भवन में भोजन बनाने हेतु रसोई तथा भोजन सामग्री के भंडारण का प्रावधान भी है। भवन में सीढ़ी तथा लिफ्ट के अतिरिक्त रैंप की सुविधा का भी प्रावधान है। विश्वविद्यालय का अतिथि गृह एक 3 मंजिला भवन है, जिसका विस्तार 1,805 वर्ग मीटर है। अतिथि गृह में कुलाधिपति हेतु सभी सुविधाओं से संपन्न एक भव्य कक्ष तथा इसी प्रकार के 3 अन्य भव्य कक्ष, अतिथियों हेतु 6 कक्ष, सुविधा संपन्न सामूहिक हॉल, भोजन कक्ष एवं समिति कक्ष का निर्माण भी किया गया है। अतिथि गृह में रैंप, सीढ़ी तथा लिफ्ट की अलग अलग व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों के आवास हेतु ए टाइप श्रेणी भवन के अंतर्गत प्रत्येक घर में 3 शयन कक्ष, 1 बैठक भोजन कक्ष तथा 1 अध्ययन कक्ष सम्मिलित है। यह घर ड्यूप्लेक्स घर है, जिनमें कार पार्किंग तथा परिचर क्वार्टर भी शामिल है। संकाय और कर्मचारियों के आवास हेतु ई टाइप भवन में कुल 86 फ्लैट बनाए गए हैं। प्रत्येक घर में 2 शयन कक्ष एवं बैठक भोजन कक्ष की सुविधा है। इस बहुमंजिला भवन में आने जाने एवं सामग्री ले जाने हेतु लिफ्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। विश्वविद्यालय कर्मचारियों के आवास हेतु एफ टाइप श्रेणी भवन का निर्माण भी किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 16 फ्लैट तैयार किए गए हैं। प्रत्येक घर में 1 शयन कक्ष तथा बैठक भोजन कक्ष की सुविधा प्रदान की गई है। जल आपूर्ति के लिए जल केंद्र को भी विकसित किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में 6 क्यूसिक उपलब्ध नहर के पानी को संशोधित करके मानव एवं शोध उपयोग हेतु आपूर्ति की जाएगी। बचे हुए पानी को कृषि, आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन तथा साफ सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।
प्रदेश प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए 3 कमरों के कैंप परिसर से आरंभ हुए इस विश्वविद्यालय ने अकादमी और शोध दोनों ही क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां अपने नाम की है। यह विश्वविद्यालय विगत 1 दशक से भी अधिक समय से संस्थापक कुलपति प्रोफेसर जयरूप सिंह, उनके पश्चात प्रोफेसर आर के कोहली तथा वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी के नेतृत्व में शोध के क्षेत्र में नवस्थापित विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर कायम है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा पुरानी योजना के अनुसार ए ग्रेड प्राप्त करने वाला यह सर्वाधिक युवा विश्वविद्यालय है। वर्ष 2019 एवं 20 लगातार 2 वर्षों से NIRF रैंकिंग के अंतर्गत देश के सर्वोत्तम 100 शिक्षण संस्थानों में नव स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अकेला पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भी सम्मिलित है। विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी शिक्षण अधिगम तथा शोध हेतु नए मानक स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि अपनी मजबूत आधार संरचना द्वारा यह विश्वविद्यालय अपने निर्धारित महान लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा। आज पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के अभिलेखों में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। इसके अंतर्गत आज श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने पवित्र कमलों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारे संकल्प से सिद्धि को चरितार्थ करते हुए इस विश्वविद्यालय परिसर को जो कि 203.7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है, इसके परिसर में एक स्मार्ट स्थल एवं 10 परियोजनाओं के अंतर्गत संपन्न इमारतों को लोकार्पण करेंगे। सतत विकास लक्ष्यों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समर्पण एवं उनके समावेशित विकास के नारे सबका साथ सबका विकास को स्वीकार करते हुए दिव्यांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उनकी चलायमान क्षमता को आरामदेह बनाए रखने के लिए लगभग सभी भवनों में सीढ़ियों, रैंप एवं लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। सर्वप्रथम हम चलेंगे विश्वविद्यालय परिसर के उस स्थान की ओर जो कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रत्येक सदस्य को अपनी अद्भुत, अद्वितीय व अनुपम छवि से आकर्षित करता है। वह है विश्वविद्यालय का स्मारक स्थल जो कि हमारे जाबाज सैनिकों, दयालु अन्नदाता, महान पथ प्रदर्शक हमारे वैज्ञानिक एवं अनुसंधानकर्ताओं को समर्पित किया गया है। यह विश्वविद्यालय समा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। अब मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत की सरकार के माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी से कि माननीय अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। नमन के उपरांत चलते हैं इसके बिल्कुल सामने स्थित विश्वविद्यालय का मुख्य आकर्षण केंद्र एकात्मिक खंड, जिसकी भव्यता व विशालता देखते ही बनती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारानुसार एवं माननीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा देश को अर्पित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल विचारधारा को चरितार्थ करता यह विश्वविद्यालय परिसर, जिसमें युवा पीढ़ी को इस महान राष्ट्र की संस्कृति, आदर्श व शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का स्मरण करवाता है। इस तथ्य का उदाहरण आपको इस विश्वविद्यालय के भवनों के नामों में भी मिलेगा।
इस एकादमिक खंड का नाम हमारे राष्ट्र के महान गणितज्ञ श्रीमान आर्यभट्ट जी के नाम पर रखा गया है, जिससे वर्तमान व भावी पीढ़ियों को गणित के क्षेत्र में उनके अतुल्य योगदान का स्मरण करवाता रहे। अब मैं श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि मान्यवर अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। शहीद भगत सिंह के महान बलिदान एवं साहस की शौर्य गाथा का मन ही मन अपने नाम के माध्यम से स्मरण करवाता लड़कों का छात्रावास, जहां पर इस बात का भली भांति ध्यान रखा गया है कि एक शैक्षणिक संस्थान की शान इसके विद्यार्थियों से है। अध्ययन के दौरान विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय परिसर में आवास सुगम बनाने के उद्देश्य से 308 स्थानों वाला यह गगनचुंबी छात्रावास आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित है, जिसके अंतर्गत लिफ्ट, सीढ़ियां, धुलाई स्थल, निरंतर एवं निर्विघ्न जल आपूर्ति, प्राकृतिक ऊर्जा का सदुपयोग, उपयुक्त वायु संचरण, बैग, स्टडी टेबल, कुर्सी व अलमारी की विस्तार सहित व्यवस्था की गई है। अब मैं श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि मान्यवर अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। इसी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित सिख धर्म के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की धर्म पत्नी एवं दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी माता गुजरी जी के महान त्याग व अतुल्य बलिदान को समर्पित 308 स्थानों वाला लड़कियों का यह छात्रावास आरामदायक आवासीय व्यवस्था के लिए तैयार है। अब मैं श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि मान्यवर अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। पूर्णतः वातानुकूलित अन्नपूर्णा भोजन कोष्ट नामित यह खंड 650 व्यक्तियों के विद्यार्थियों के बैठने योग्य यह विशाल भोजन कक्ष, जिसमें सीढ़ियों, रैंप व लिफ्ट की विशेष व्यवस्था प्रधानमंत्री महोदय के समावेशित विकास को कृतार्थ करती है। अब मैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि मान्यवर अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। विश्वविद्यालय परिसर को एक फुलवारे की तरह महकता आंगन बनाने के लिए विषय विशेषज्ञों, देश विदेश से विद्वानों के आवास व आतिथ्यता के उद्देश्य से एक भव्य अतिथि गृह का निर्माण किया गया है। यह अतिथि गृह साफ सुथरे पर्यावरण की गोद में आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित कक्ष उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था भी करता है। इस अतिथि गृह का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है, ताकि हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी सदैव उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त कर राष्ट्र प्रेम की भावना को आत्मसात कर सके। अब मैं हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि मान्यवर अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें।
अतिथि गृह के उद्घाटन के पश्चात हम चलते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन आवासीय परिषद की ओर, जिसमें ए टाइप के 10 आवासीय गृह विश्वविद्यालय परिवार के सरकारी सदस्यों व अधिकारियों के आवासीय व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। अब मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि मान्यवर अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। डॉक्टर राधा कृष्णन आवासीय परिसर से 200 मीटर की दूरी पर ई टाइप के 86 आवासीय ग्रह, जिनका नामकरण एपीजे अब्दुल कलाम आवासीय परिसर रखा गया है, विश्वविद्यालय परिवार के सरकारी सदस्य एवं अधिकारियों हेतु जिसमें आवासीय व्यवस्था की गई है। अब मैं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मान्यवर अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। जिनमें विश्वविद्यालय परिवार के गैर शैक्षणिक वर्ग के कर्मचारियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई है, स्वामी दयानंद आवासीय परिसर। अब मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि मान्यवर अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। जल ही जीवन है, उपयुक्त सभी भवनों में जल पीने योग्य जल की व्यवस्था के लिए चलते हैं जल शोधन व वितरण केंद्र की ओर, जिसका नाम अखंड भारत के महान अभियंता राय बहादुर सर गंगाराम जी के नाम पर रखा गया है। अब मैं श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि मान्यवर अपने कर कमलों से इसका लोकार्पण करें। इस लोकार्पण कार्यक्रम के आज के अंतिम पड़ाव में मैं श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी माननीय शिक्षा मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि मान्यवर सर एम विश्वेश्वरैया सीवरेज उपचार संयंत्र का अपने कर कमलों से लोकार्पण करें। इस तरह से आप सब साक्षी हैं आज के इस स्वर्णिम अध्याय के, जिसमें कि लगभग 203.7 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ निर्मित परिसर हमारे देश के एक भारत श्रेष्ठ भारत के माननीय शिक्षा मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा आज हमारे राष्ट्र को, देश के युवाओं को, सामान्य जनमानस को समर्पित किया गया, जो कि न केवल समकालीन या भावी पीढ़ियों को भी जीवन की यह सीख सिखलाता रहेगा एवं हमारे इतिहास व भारतीय संस्कृति के आदर्शों के प्रति भी विश्वविद्यालय कुलगीत के अनुसार समझ विकसित करेगा। अब मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रीमती हरसिमरत कौर जी बादल, माननीय सांसद बठिंडा लोकसभा क्षेत्र से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूँ कि विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों को, शिक्षा जगत को आप अपना प्रेरणा स्वरूप संबोधन करने की कृपा करें। मैडम हरसिमरत कौर जी। आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, आदरणीय कुलपति जी तिवारी साहब और फॉर्मर वीसी साहब एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स
हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन सिर्फ आपके लिए ही नहीं लेकिन हमारे राज्य पंजाब के विकास की कड़ी के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है, लेकिन मेरे अपने निजी तौर पे मेरे लिए एक बहुत ही अहम दिन इस करके है क्योंकि 2009 में इतने साल पहले 11 साल कह सकते हैं जब मैंने अपना सियासी जीवन शुरू किया तो उसी टाइम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी 2009 में अपनी शुरुआत हमारे इस इलाके में करी। एक बहुत ही इस जर्नी में एक इमोशनल बॉन्ड रहा है क्योंकि इस इलाके में हमारे आदरणीय स्टार प्रकाश सिंह बादल जी ने जहां पे उनका इसी इलाके में जंपर हुआ और मैं इस परिवार में जब आई तब से मुझे सुनने को मिला कि बादल साहब जब पहली बारी यहाँ पे इस गांव के सरपंच बने और उसके बाद हर एक स्तर पे यहाँ के MLA बनके MP बनके आखिर में जब मुख्यमंत्री बने तो कैसे शुरुआत में जब बठिंडे जाने के लिए कोई रास्ते भी नहीं होते थे, कोई सड़कें भी नहीं होती थी और ऐसे का ये इलाका था और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने इस पिछड़े हुए इलाके के लिए जो सपना देखा कि इस इलाके को पंजाब का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका ही नहीं कहा जाएगा लेकिन एक ये शिक्षा का, सेहत का, इंडस्ट्री का एक ऐसा केंद्र बिंदु बने जहां पूरा पंजाब ही नहीं लेकिन पूरा हिंदुस्तान के लिए एक ये ऐसी जगह बने जहां दुनिया भर और देश भर से यहां पे लोग आए और आज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके वो सारे सपनों को साकार और साबित कर रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 2009 में जो एक 37 एकड़ में एक टेम्पररी कैंप ऑफिस बादल साहब ने शुरू किया था लेकिन 500 एकड़ की वो जमीन जो उन्होंने अक्वायर करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उनके हवाले करी थी आज इतना बहुत ही सुंदर आपने जो वहां पे कई 207 करोड़ रुपए खर्च किए आज मैं देख रही हूँ कि क्या कुछ वहां पे आज पोखरियाल जी ने लोकार्पण किया है और कैसे इन 11 सालों में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पंजाब बठिंडा की है सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से सबसे बढ़िया काम होने के कारण ये एक नंबर अव्वल नंबर पे इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं और अपना नाम भी कमाया है और इसके लिए तिवारी जी के साथ साथ जो दूसरे कुलपति हमारे साथ जुड़े हुए मैं उनको भी बधाई देती हूँ कि ये आप सबकी मेहनत का सदका आज हमारे बठिंडा का पंजाब की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश भर में रोशन हुआ है। आज जहाँ आप सबको बधाई देती हूँ मैं आपका मंत्री जी आपका खास तौर पे मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आज इस प्रोग्राम में आपने मुझे ज्वाइन करने का एक मौका दिया है क्योंकि मुझे वो दिन अभी भी याद है जब स्मृति जी के साथ एक पहली बारी सांसद और मंत्री होने के नाते यहाँ पे जब नींव पत्थर हम लोग ने रखा था 2015 में वो भी पहली बारी मंत्री बनी थी और मैं भी पहली बारी मंत्री बने थे और उस टाइम हमने इसका नींव पत्थर रखा था और आज 5 साल के अंदर आज इसका 37 एकड़ से 500 एकड़ की एक बहुत ही सुंदर कैंपस में आज ये यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होगी और यहाँ के जो छात्रों हैं उनके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि इस पूरे इलाके की डेवलपमेंट के लिए जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में आके एक केंद्र बिंदु एजुकेशन का इस बठिंडा इलाके को बनाया गया ऐसे ही बादल साहब ने कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसके बाद NDA की सरकार जब पंजाब और दिल्ली में 2-2.5 साल के लिए इकट्ठी थी उसी टाइम एक एम्स यहाँ पे लाया गया जो हेल्थ सेक्टर में केंद्र बिंदु आने वाले समय में बनेगा और इसी तरह बादल साहब इधर इंडस्ट्री को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक 19,000 करोड़ की रिफाइनरी भी इधर लेके आए और थर्मल प्लांट भी लेके आए और NDA की सरकार जब भी पंजाब में और देश में आई है तो तरक्की का एक बहुत बड़ा दौर पंजाब को देखने को मिला है। वो दिन जब बादल साहब कहते थे कि बादल गांव से बठिंडे तक और गुद्दा रस्ते में आता है 15-20 मिनट का ही रास्ता है जहाँ पे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब एक सड़क तक नहीं होती थी आज पोखरियाल साहब बठिंडे के आसपास आप कहीं भी जाए इतने सुंदर फ्लाईओवर्स और सड़कों का ऐसा जाल है कि सिर्फ सड़कें ही नहीं
हमारी सरकार ने एक एयरपोर्ट भी यहाँ पे लगा दिया है, शताब्दी भी चला दी है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल लाइन भी करा दी है और ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जिस इलाके में एक समय में कोई उच्च स्तरीय कोई हेल्थ या एजुकेशन नहीं होती थी, कोई यहाँ पे ऑफिशियल, इसको एक पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता था जब बठिंडे में आ जाए, तो आज मेरा ख्याल आज ये सबसे पंजाब का डेवलप और प्रेस्टीजियस इलाका जो बना है वो इन सब चीजों करके बना है। तो इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको आगे ले जाने में तिवारी जी भी अपना पूरा आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा योगदान डालेंगे और मैं यहाँ के छात्रों को खास तौर से बधाई देना चाहूंगी कि आप देश भर से आप सब यहाँ पे हमारे परिवार बन के आप हमारे इलाके में आए हैं और जैसे आपकी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बाकी सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही नाम कमाया है, उसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जो छात्र निकल के जाएंगे वो देश में दुनिया में जाके सब जगह अपना नाम रोशन करेंगे। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, कोई लॉयर, कोई वकील, कोई पॉलिटिशियन, आप पता नहीं कौन सी कितनी लाइनों में आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे और यहाँ की जो आप पढ़ाई लेके जाएं, मेरा एक सपना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा का एक अलग ही तरह का एक चरित्र वहाँ के स्टूडेंट्स का हो जो ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा से अपना कर्तव्य करने में इनके दुनिया और देश भर में ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे छात्रों की जिंदगी की जिस भी पहलू में आप जाएंगे आप अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए आपका नाम रोशन हो और आपकी यूनिवर्सिटी का और हमारे इलाके का भी नाम रोशन हो। तो आपके सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और MP होने के नाते जो भी आपकी मदद जैसे भी मैं कर सकती हूँ हमेशा हम आपके लिए हमेशा हाजिर होंगे और पोखरियाल साहब आपको हम वेट करेंगे कि दिल्ली तो बहुत दूर नहीं, जैसे मैंने कहा सड़कों का जाल इतना सुंदर है कि 4.5 घंटों में आपको दिल्ली से इधर तक ले भी आएंगे हम और एयरपोर्ट तो है ही, तो जल्दी हवाई जहाज जब शुरू होंगे आप जरूर यहाँ पे आइए और इकट्ठे आप और मैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये नए बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आप देखने को मिल रहे हैं आज इनको भी देखिए और वहाँ के छात्रों को भी मिलने का हमको मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। धन्यवाद मैडम हर्षमल कोटी। जैसा कि हमारे विश्वविद्यालय परिवार के माननीय कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी ने आपको आश्वासन दिया है, निश्चित तौर पर हम विश्वविद्यालय परिवार के बाकी सदस्य, संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी व शोधार्थियों की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि विश्वविद्यालय परिवार निश्चित तौर पर नई बुलंदियों की ओर अपना योगदान सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से नम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि माननीय इस शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं स्कूल शिक्षा जगत को अपना आशीर्वाद स्वरूप संबोधन करने की कृपा करें। माननीय पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय तेज तराक और प्रखर सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय हरसिमरत कौर बादल जी, इस विश्वविद्यालय के यहाँ पर सभी उपस्थित पूर्व कुलपतिगण, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य कुलपति सुषमा जी और इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, प्रोफेसर अंजना मुंशी डीन रिसर्च, प्रोफेसर रामकृष्ण जी, कमल पाल जी, वीके गर्ग जी, एसके बाबा जी और सभी फैकल्टीज, सभी इस विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यगण और इस विश्वविद्यालय के सभी कर्मी, प्रिय छात्र छात्राओं और पंजाब की जनता जो आज इस उत्सव में हमारे साथ विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं बधाई देने के लिए आपके बीच आया हूँ।
पिछली बार हरसिमरत जी और हम दोनों लोग जुड़े थे दिल्ली से, लेकिन कुछ तकनीकी कठिनाई के कारण उस दिन वो संभव नहीं हो सका था। और मुझे खुशी है जब मैं इस विश्वविद्यालय के बारे में मैं देखता हूँ, और जैसे कुलपति जी ने बताया और हरसिमरत जी ने चर्चा की, मुझे बहुत गर्व है कि आज हम एक ऐसे विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन कर रहे हैं जिसने कम समय में बहुत महत्वपूर्ण छलांग मारी है, और जिसने ये साबित करने की कोशिश की है कि हाँ हम देश के अंदर अपनी पहचान बनाएंगे और अलग से हम कुछ करके दिखाएंगे। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति सहित संपूर्ण फैकल्टी और अधिकारियों को और पूर्व सभी कुलपतियों को, स्वाभाविक है कि 11 वर्ष की इस यात्रा में सब लोगों ने अहर्निश रात और दिन काम करके, और ऐसी स्थिति में जबकि मेरे को अभी बताया गया कि ये नैक में ये करके ये श्रेणी में नैक में, और जो हजार विश्वविद्यालयों में देश के हजार विश्वविद्यालयों में जो NIRF में टॉप 100 के अंदर इस विश्वविद्यालय ने अपने को इतने कम समय में स्थापित किया है, तो निश्चित रूप में ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और निश्चित इसमें जिन लोगों ने रात दिन खप करके अपनी अहर्निश अपना योगदान दिया है, वो उन सब का स्मरण करने का हम सब लोग की जिम्मेदारी भी है, और हम उनको गर्वित होकर के बधाई और धन्यवाद भी दे सकते हैं। 500 एकड़ में ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जिसे पर्यावरण मैत्री और ऊर्जा दक्षता भवन निर्माण के लिए गृह काउंसिल शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मास्टर प्लान में 5-star रैंकिंग शीर्ष रैंकिंग से सम्मानित किया गया। मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, ये भी आपने अपने ढंग से इसको हासिल किया है, तो मैं इसकी भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि देश का बिल्कुल युवा विश्वविद्यालय है और 100 टॉप विश्वविद्यालयों के अंदर आना और नैक में ये श्रेणी को प्राप्त करना, तो ये बहुत अच्छी आशा और भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है इस विश्वविद्यालय के लिए। मुझे लगता है कि हम जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियां जो देश और दुनिया के परिदृश्य में, और मैं देख रहा था कि इस विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 28 राज्यों के छात्र हैं, तमाम विदेशी छात्र हैं, और जैसे हरसिमरत जी ने कहा ही कि ये एक लघु भारत जैसा है, और अभी हमारे BC साहब कह रहे थे जब वो सब आंकड़े दे रहे थे, तो ये खुशी होती है कि इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए लोगों में उत्सुकता रहती है, प्रतिस्पर्धा रहती है, हर छात्र अपने बहुत अच्छे भविष्य को संवारने के लिए आज पंजाब विश्वविद्यालय की ओर देख रहा है, तो यह हमारे लिए अच्छा अच्छा एक लक्षण है। और मेरे मित्रों, मुझे लगता है कि जबकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल की उसमें एक जगह, हम पूरी दुनिया को खड़े होकर के अपना परिवार, जैसे हमारे लिए तो हमेशा पूरी दुनिया एक परिवार रहा है, हमारे भारत की संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहा है, और हमने हमेशा कहा है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, हम पूरी धरती को अपनी माँ के समान माना है, और उस धरती पर पैदा होने वाले हर जीव जंतु, प्राणी तो है ही लेकिन जीव जंतु को भी हमने अपना हिस्सा और अपना अंग माना है। और इसलिए मुझे लगता है कि उस ग्लोबल इकोनॉमी हो, चाहे ग्लोबल कल्चर हो, चाहे ग्लोबल नॉलेज हो, चाहे ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे ग्लोबल माइंड सेट, तो सब आज हम सब लोग इस स्थिति में खड़े हैं कि हम लोगों को
क्योंकि ये देश विश्वगुरु रहा है और निश्चित इस देश में वो चीज ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी में कहीं ना कहीं हमने दुनिया में लीडरशिप ली है। तभी तो इस देश के बारे में कहा गया कि हित देश प्रसूतस्य सकाशाद्यग्रे जन्मेना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरन् पृथ्व्यां सर्वमानवा तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहां रहे हों, जब पूरी दुनिया के लोग उन विश्वविद्यालयों में आकर के शिक्षा ग्रहण करते रहे हों, आज फिर भारत ने अंगड़ाई ली है और फिर वही भारत जो विश्वगुरु भारत था, जो विभिन्न क्षेत्रों में पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता था, लीडरशिप लेता था, फिर वो भारत तेजी से उभरना अभी शुरू हुआ है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आत्मनिर्भर भारत जिसकी हमने बात की है, जो अभी हम सब लोग अब नई शिक्षा नीति 2020 को लेके आए हैं, और उसमें जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, पूरे देश ने बहुत उत्सव के साथ उसको स्वीकार किया है, क्योंकि ये जो शिक्षा है हमारी ये बिल्कुल भारत केंद्रित होगी, भारत की जड़ों पर खड़ी होकर के होगी। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ज्ञानवर्धक और सर्वश्रेष्ठ कार्यों को सीखने के तात्पर्य में जिस तरीके से इस शिक्षा नीति का हम समावेश करेंगे और देश की जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे ज्ञान है, जो हमारे विज्ञान है, जो जो हमारी पीछे की परंपराएं हैं, जिस जो बहुत सशक्त हैं, समृद्ध हैं, जो दुनिया को कुछ देने के लिए लालयित हैं। और फिर ये धरती तो पंजाब की धरती, हमारे गुरुओं की धरती है, जिन्होंने हमेशा साथ चल करके साथ मिल करके आगे बढ़ने की बात की है। उन्होंने हर स्थान पर कहा है नहीं, अलग अलग हट करके। मुझे इस बात की भी खुशी हुई है कि सरदार भगत सिंह जी के नाम पर आपने एक भवन का नाम रखा, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा, गुरु माता के नाम पर आपने भवन रखा। मुझे खुशी है जब मेरा नौजवान ये छात्र देखेगा, समझेगा, सुनेगा, उस चित्रण को समझने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर ये संस्कार पैदा होगा, वो भी भगत सिंह बनने की कोशिश करेगा, वो भी सुभाष चंद्र बोस बनने की कोशिश करेगा, वो भी गुरुओं के बताए रास्ते पर चलने के लिए, जो जो हमारे देश ने स्वयं असुतो मां सदगमय की बात की है, तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात की है, अंधकार को मिटाकर हमने प्रकाश की ओर ले जाने हैं पूरी दुनिया को, देश को, और सबसे पहले अपने को, अपने परिवार को। और इसलिए हमारे उन गुरुओं ने जो हमको बताया है वो निश्चित रूप में वो संस्कार, वो हमारी संस्कृति, वो जो हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, और जिस प्राण और जीवन के बलबूते पर हमने भविष्य में अपने एक अलग सी न केवल स्थान बनाया, बल्कि दुनिया के लोगों को भी एक नया जीवन देने की कोशिश की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये जो हमारा सूत्र है कि नहीं, हम पूरी दुनिया में जब तक इंसान धरती पर कोई प्राणी दुखी होगा तब तक मैं सुख का एहसास नहीं कर सकता, इस तरीके का जो ये भावना इस धरती से रही है, आज जरूरत है। जबकि पूरी दुनिया भटकाव की स्थिति में, हमने मनुष्य नहीं मशीन पैदा कर दी है। ये नई शिक्षा नीति 2020 ये मनुष्य एक देश को नागरिक भी देगा और विश्व के लिए एक विश्व मानव के भी सर्जन की दिशा में काम करेगा। जबकि लोगों को महसूस होगा कि नहीं, संवेदनाएं जिंदी हैं, अभी हमारा जो मूल्यपरक शिक्षा है, जो हमारे संस्कार हैं, हम जो पूरे समाज और पूरी दुनिया को एक परिवार मान करके चल करके उसके सुख समृद्धि और शांति की परिकल्पना लेकर के हर चीज को लेकर के शिखर तक पहुंचते हैं, इसकी जरूरत थी। और निश्चित रूप में ये जो नई शिक्षा नीति है आई है ये उस पर करेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो शिक्षा नीति है ये 2020 की शिक्षा नीति में, नौजवानों आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपको शुभकामना देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए पूरा मैदान खाली है।
कितना भाग सकते हो, कितना भागना चाहते हो, आपके लिए कोई विषयों का बंधन नहीं है, सारे विषयों के बंधन तोड़ते हैं, किसी भी विषय के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं, आप विज्ञान के साथ साहित्य ले सकते हैं, आप इंजीनियरिंग के साथ संगीत ले सकते हैं, किस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए जहां वो पूरा मैदान खाली छोड़ा हुआ है वहीं आपके लिए एक और जो सुविधा की है कि जब चाहे आप आइए, जब चाहे जाइए। यदि परिस्थितियां ऐसी होती हैं आपकी कि आपको दो साल में जाना पड़ रहा है, छोड़ करके जाना पड़ रहा है, तो जो पहले दो साल आपके खराब हो जाते थे, कुछ नहीं मिलता था, अब ऐसा नहीं होगा। यदि एक साल में आप छोड़ करके परिस्थिति बस जा रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दो वर्ष में छोड़ने की व्यवस्था है, तो आप ऐसे ही कोरे नहीं जाएंगे, आपको डिप्लोमा मिलेगा, और तीन वर्ष में छोड़ के जाते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, और यदि आप बीच में ही यदि एक वर्ष के बाद ऐसा लग रहा है कि एक वर्ष में छोड़ने की व्यवस्था थी लेकिन अब मेरी परिस्थिति अच्छी हो गई, मैं अपने भविष्य को संवार सकता हूं, तो आप दोबारा आकर के उसी स्थान से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा है। क्रेडिट बैंक ऐसा होगा जो आपकी क्रेडिट होगी वो जमा होगी, जहां पर आपने छोड़ा है वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए मैदान खाली है। अभी मुझे इस बात की भी खुशी है कि शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी इस विश्वविद्यालय ने अपने एक अलग स्थान बनाया है, और जो हमारी कमी थी शोध और अनुसंधान में, अभी मैं चर्चा कर रहा था और आप लोगों ने अभी जो बार बार कह रहे थे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, हम लोग कभी नहीं भूलते इस बात को। एक वक्त ऐसा आ गया था जब देश की सीमाओं पर हम संकट में थे और खाद्यान्न के संकट से, आंतरिक संकट से जूझ रहे थे, तब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी होते थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जवान भी खड़ा हो गया, पूरा देश जवानों के साथ खड़ा हुआ, मेरे किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया, किसान खड़ा हो गया, और जय जवान जय किसान के नारे ने उन दोनों संकटों से हमको मुक्त किया। एक साथ एक झटके में हम खड़े हो गए थे पूरा देश, और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो उन्होंने जय विज्ञान का नारा दिया, क्या विज्ञान की जरूरत है, हमको और तेजी से बढ़ना है दुनिया में आगे, तो उन्होंने फिर आपको सबको मालूम है कि जय विज्ञान के नारे के साथ जो परमाणु परीक्षण किया था जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचाई थी और दुनिया में हिंदुस्तान को पूरे महाशक्ति के रूप में बनाने का रास्ता आगे बढ़ाया था, वो भी एक बड़ी ताकत थी इस देश की। और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, अब अनुसंधान की जरूरत है, अब एक कदम और आगे जाने की जरूरत है, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, और इसलिए अनुसंधान के क्षेत्र में NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है जो प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक की अध्यक्षता में होगी, और शोध और अनुसंधान की संस्कृति को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जहां शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में आज भी ऐसा नहीं है, आज भी हम स्पार के तहत दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्पार्क हो चाहे स्ट्राइड हो, चाहे इम्प्रिंट हो, चाहे इम्प्रेस हो, हम विभिन्न क्षेत्रों में बहुत तेजी से हम अनुसंधान कर रहे हैं, और ज्ञान की दिशा में जहां बाहर की फैकल्टी को हम अपने देश के अंदर ला रहे हैं, वहीं ज्ञान प्लस में अब हमारे देश के भी ये शिक्षक बाहर दुनिया के लोगों को पढ़ाने के लिए जाएंगे। जहां हमने स्टडी इन इंडिया जिसको हम ब्रांड बनाएंगे इस देश का, दुनिया के लोग उसके तहत अभी भी 50,000 से अधिक दुनिया के छात्रों ने यहाँ पढ़ने में अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज किया है, जबकि स्टे इन इंडिया के तहत अभी जो बाहर जा रहे हैं छात्र दुनिया में पढ़ने के लिए, उनको स्टे करने के लिए उनसे आग्रह किया है, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित मेरे देश में ऐसे समृद्ध और सशक्त संस्थान है जहां आपको सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होगी। हमारे IIT हैं, ISER हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसलिए स्टे इन इंडिया, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं इस देश का 7-8 लाख छात्र विदेशों में पढ़ रहा है और 1.5 लाख करोड़ के आसपास धनराशि प्रति वर्ष विदेशों में पहुंच जाती है। हमारी प्रतिभा
और हमारा पैसा, ये दोनों बाहर चला जाता है। न तो प्रतिभा, जो प्रतिभाशाली होता है वो उस देश के विकास में अपना योगदान देता है। आज यदि आप अमेरिका को देखेंगे, किसी विकासशील देश, विकासशील देश को देखेंगे या जो विकसित देश है उनको देखेंगे, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमारा नौजवान वहां पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करके उस देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। और इसलिए अब जरूरत आ गई है कि हिंदुस्तान में वो रहे, हिंदुस्तान में वो लौटे, हिंदुस्तान की आर्थिकी को और मजबूत करे, एक नए भारत का निर्माण, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा नया भारत जो स्वच्छ भारत होगा, जो स्वस्थ भारत होगा, जो सशक्त भारत होगा, जो समृद्ध भारत होगा, जो आत्मनिर्भर भारत होगा और जो श्रेष्ठ भारत होगा, उस भारत जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत होगा, उस भारत की आधारशिला ये विश्वविद्यालय करेंगे। ऐसा मेरा भरोसा है कि नए, एक नए इतिहास लिखने की दिशा में ये सारे विश्वविद्यालयों के लोग काम करेंगे, जो काम बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। इसलिए मुझे भरोसा है कि ये जो शिक्षा नीति है, जहां ये इंडियन होगी, भारत की धरती से जुड़ी होगी, वहीं ये इंटरनेशनल भी होगी, अंतरराष्ट्रीय भी होगी, ये वहीं इम्पैक्टफुल भी होगी, ये इंटरैक्टिव भी होगी, इंक्लूसिव भी होगी, और इतना ही नहीं तो इसमें क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी और एक्सेस भी होगा। इसके आधारशिला पर ये नई शिक्षा नीति इस राष्ट्र के भव्य भवन को खड़ा करेगी, और इसमें हम सब लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से आपको अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जैसा शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हम कर रहे हैं, ऐसे ही हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कहीं आगे बढ़ नहीं रहे हैं और हमारी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है हमारी शिक्षा। यदि अमेरिका की शिक्षा बहुत अच्छी होती तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों के सीईओ मेरे भारत का नौजवान उनका सीईओ बन करके उनका मार्गदर्शन कर रहा है। ये हमारी ताकत है, ऐसा नहीं पूरी दुनिया में छाए हैं। जब मैं अपने आईआईटी को, अपने विश्वविद्यालयों को से पढ़े हुए छात्रों की अभी जब सूची बनाना शुरू करता हूँ, मैं कहता हूँ डायरेक्टर से, चाहे आईआईटी है, चाहे ट्रिपल आईटी है, चाहे आईसर है, और चाहे मेरे विश्वविद्यालय हैं, इन सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को भी कहता हूँ, जरा सूची मुझे दीजिए, पीछे के समय में मेरा जो छात्र यहाँ से पढ़ करके गया है, तो मुझे गौरव महसूस होता है कि हमारे छात्रों ने ऊंचाइयों को छुआ है, आज वो पूरे विश्व में है। मैं उनको भी आह्वान करना चाहता हूँ, आए अपने घर लौटे और इस हिंदुस्तान को फिर विश्व के शिखर पर पहुंचाने के लिए अपना योगदान दें। निश्चित रूप में वो आए और आकर के इसको और आगे बढ़ाएंगे। स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया के साथ साथ जो अभी NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसका भी हम गठन कर रहे हैं। इसका गठन करके प्रौद्योगिकों को किस सीमा तक हम बढ़ा सकते हैं, कैसे करके आगे लेकर के चल सकते हैं, निश्चित रूप में, क्योंकि प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर के हम हर चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। संस्थानों में उसका सुधार है, अनुसंधान की संस्कृति का पोषण, और संस्थानों को बेहतर प्रबंधन और प्रशासन कैसे हो सकता है, इस दिशा में भी निश्चित रूप में हमको चिंता है। मुझे लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और क्वांटम कंप्यूटिंग का जो दौर में ये जो आधुनिकता के सारे आयाम है, जो बहुविषयक और बहुभाषी पक्षों के रूप में ये जो नई शिक्षा नीति आई है, तो निश्चित रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावित हमारी पीढ़ी को प्रभावी बुद्धिमत्ता, केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि प्रभावी बुद्धिमत्ता चाहिए, उसे भी एक कदम आगे जाकर के हम करना चाहते हैं। और यही कारण है कि आप पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पहला देश होगा जो स्कूली शिक्षा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएगा, जहां हम लोग स्कूली शिक्षा से हम वो किसल स्ट्रीम को लेकर के जाएंगे और वो भी इंटर्नशिप के साथ जाएंगे, और वही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार का एक अभिनव प्रयोग दे करके यहाँ के जो शिक्षा है उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में
मुझे खुशी है कि आपने 63 करोड़ की धनराशि से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के 210 शोध परियोजनाओं के साथ आपने एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं बहुत आपको बधाई देता हूं। और जो आपने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, थाईलैंड आदि देशों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ जो समझौता किया है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, विश्वविद्यालय के शोध के क्षेत्र में निश्चित रूप में ये नया आयाम आपने स्थापित किया है, इसकी भी मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे जहाँ मैंने अभी कहा कि आप 28 राज्यों के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वही जो मेरी जानकारी में आया कि 5 देशों के 27 विदेशी छात्र भी आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे खुशी है। आपको मालूम है कि अभी आसियान देशों के 1000 से भी अधिक छात्रों ने हमारे IIT में शोध और अनुसंधान के लिए अभी आए हैं, जिसके साथ हमारा अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और दुनिया लालयित है हिंदुस्तान को जानने के लिए, हिंदुस्तान को आप ये जो नया शिक्षा नीति है उसके साथ सम्मिलित होकर के आगे बढ़ने के लिए। आपने रैंकिंग में जो 100% जो कैशलेस भुगतान की दिशा में भी आपने मेरे को जो बताया गया कि 8वां स्थान प्राप्त किया, और सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने जिन 5 गांवों को उन्नत भारत अभियान की दिशा में जो चयनित किया था, मेरे को जानकारी मिली है कि उसमें भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाया है। वहाँ क्योंकि स्वाभाविक ही है जो हरमीत जी ने अभी जिस बात को कहा है कि हमारा विश्वविद्यालय उसकी खुशबू आप पूरे पंजाब में नहीं पूरे देश में जाएगी, और हरसिमरत जी हमेशा इस बात को लेकर के चिंतित रही हैं, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो बार बार विश्वविद्यालय की कैसे करके उसका स्तर बढ़े और कैसे करके हमारे छात्र एक अलग, अभी भी उन्होंने कहा, मुझे खुशी हुई, उन्होंने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि मेरा इस पंजाब का विश्वविद्यालय का छात्र पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। मैं कुलपति को और उनके संकाय को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना कि वो हरसिमरत जी के सपने को पूरा करे। मेरा इस विश्वविद्यालय का छात्र पूरा पंजाब नहीं पूरे देश का नाम गौरवान्वित करे, और ये परिसर एक ऐसे परिसर के रूप में जिसका आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, ये ऐसे परिसर के रूप में स्थापित हो, ऐसे ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित हो जिसके दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया आने के लिए लालायित हो। मेरे साथ हमारी पूरी कुलपति जुड़े हुए हैं, जो कुलपति जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है कि 3-4 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं कोहली जी भी शायद जुड़े हुए हैं, और 2-3 लोग अभी जो जुड़े हुए, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो कुलपति इस विश्वविद्यालय में रहे हैं उन्होंने भी जिस तरीके से आपने उसकी आधारशिला रखी है उसी का परिणाम है कि तिवारी जी अब इसको कितना आगे दौड़ा सकते हैं। मैं यहाँ की जो फैकल्टी है इसको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी परिसर का यदि दर्शन करना हो तो उसकी फैकल्टी पर उसके चेहरे पर दर्शन करना चाहिए। यदि वो फैकल्टी आत्मविश्वास से भरी है, गौरव से भरी है, प्रखरता से भरी है, यदि उसमें जिजीविषा है, जिज्ञासा है, तो निश्चित रूप में उसके परिसर में आने वाला छात्र एक योद्धा की तरह ही बाहर जा सकता है और उसका गर्व ही बढ़ा सकता है। और इसलिए मैं आता हूं। और इस बीच मैंने देखा कि जिस तरीके से जब पूरी दुनिया कोविड की इस महामारी से होकर के गुजर रही थी, तब भी मेरे अध्यापक गण ने जिस एक योद्धा के रूप में आगे आकर के ये देश इतना बड़ा वैभव है शिक्षा का कि यहाँ तो देखेंगे तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज है,
15 लाख से अधिक स्कूल हैं, 1,09,00,000 से अधिक अध्यापक हैं, और कुल जितने अमेरिका की आबादी नहीं है उससे भी ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं मेरे देश के अंदर है। 33 करोड़ उन 33 करोड़ ऐसे संकट के समय में जबकि लोग अपने घरों में कैद हो गए हों, ये कितनी बड़ी चुनौती थी मेरी शिक्षा जगत के सामने, मेरे देश के सामने। लेकिन मैं इन अपने अध्यापक को, वर्ग को, इनको, इन योद्धाओं को मैं नमन करना चाहता हूं कि 24 घंटे में से 18 घंटे इन्होंने काम करके और कभी भी छात्र को निराश नहीं होने दिया, ऑनलाइन शिक्षा पर लाकर पूरी दुनिया में कल सब धारण दिया। तो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। 25 करोड़ 30 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर ले लेना कोई सोच भी नहीं सकता है। तमाम देशों की तो कुल आबादी, दर्जनों देशों की आबादी मिलकर के जो है 33 करोड़ नहीं होती। अरे यदि उनके माता पिता को देखेंगे तो 100 करोड़ को पार करते हैं। तो यदि उनके साथ ऑनलाइन पर यदि नहीं जुड़ते अध्यापक और अभिभावक दोनों मिल करके काम नहीं करते तो मेरा छात्र किस अवसाद में जाता, कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए मुझे भरोसा है कि हमने जो, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, ऐसा उत्सव जैसा माहौल मैं पूरे देश के अंदर देख रहा हूँ। कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में एक ही विचार आता है कि अब ये जो भारत अब विश्वगुरु बनेगा, विश्व को लीडरशिप देगा, हर क्षेत्र में देगा। और क्यों नहीं देगा, हर हालत में देगा। मेरा भरोसा कहता है हर हालत में देगा, क्योंकि हमारी अध्यापकों की प्रखरता में कोई कमी नहीं है, हमारे छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है, हमारे विजन में कोई कमी नहीं है, हमारे मिशन में कोई कमी नहीं है। तो क्यों नहीं हम दुनिया के सामने अपने को शिखर पर पहुंचाएंगे। और अब तो दुनिया के जो शीर्ष 100 विश्वविद्यालय उनमें से छंटनी से हम अपनी धरती पर भी उनको आमंत्रित कर रहे हैं, और हमारे भी जो 100 विश्वविद्यालय जो शीर्ष के होंगे उनको भी दुनिया में जाने के लिए भेजना चाहते हैं। जाओ तुम दुनिया में भी जाओ और दुनिया के विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ भी बुलाना चाहते हैं कि आप आओ, हम एक ऐसा भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाना चाहते हैं जिसको दुनिया को गौरव हो सके मेरे देश पर। ये है हमारी योजना, ये है हमारी नई शिक्षा नीति। निश्चित रूप में मैं सोचता हूं कि अवसर हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है, और मैं पंजाब के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, मैं शुभकामना देना चाहता हूं। पंजाब की धरती पर मेरा एक ऐसा विश्वविद्यालय अपनी प्रगति की राह पर दौड़ रहा है, जब पंजाब को उस विश्वविद्यालय पर गर्व हो सकता है। पंजाब का जो छात्र मैं देख रहा हूँ, खेल के क्षेत्र में हो, चाहे शोध के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में मेरा बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो रात दिन जुटा हुआ है। और यहाँ की फैकल्टी के मन में यह स्वभाव की है, अभी भी आप कह रहे थे 12-14 प्रदेशों की फैकल्टी है, ये तो लघु भारत का आपने दर्जा दिया, ये ये तो विश्व का केंद्र बनना है, बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप जिस गति से दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, बनाना ही बनाना है और बनेगा। जब आपके सामने लक्ष्य तय है, और कितना खूबसूरत भवन मैं देख रहा था, अकेडमिक भवन बने हुए खूबसूरत, छात्रावास खूबसूरत बन रहे हैं, अतिथि गृह हैं, आपके तमाम मीटिंग हॉल हैं। मैं देख रहा था कि आपने एक के बाद एक प्रेक्षा गृह हो, चाहे जलापूर्ति का ऑडिटोरियम है, छात्रावास है, प्रशासनिक भवन है, और इतना खूबसूरत भवन और इतने अच्छे स्थान पर। इस निश्चित रूप में इस खूबसूरत भवन के अंदर खूबसूरत मन होंगे, वो खूबसूरत मन खूबसूरत विचारों के पोषक होंगे, और वो खूबसूरत विचार पूरी दुनिया में हमारी महक को लेकर आएंगे। इसी भरोसे के साथ मैं एक बार हरसिमरत जी, मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में है और आपने इसका शिलान्यास भी किया, और आज आप इसके उद्घाटन के अवसर भी
पर यहाँ पर विराजमान है, आपको कितनी खुशी हो रही होगी मैं जान सकता हूँ इस बात की। और जो हमारे कुलपतिगण यहाँ जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक की कि उन्होंने इसको सींचा है तो उनके मन में भी तमाम भावनाएं पल्लवित हो रही होंगी। और तिवारी जी, ये मुझे भरोसा है, इन्होंने विपरीत और विषम स्थितियों में भी मार्ग निकाला है, ये समन्वय भी करते हैं, ये अध्यापक के साथ अपनी पूरी टीम ले चलने का भी इनमें मैंने गुण देखा है। मेरा भरोसा है कि ये बहुत अच्छे तरीके से इस विश्वविद्यालय को भी बहुत अच्छी लीडरशिप देंगे। और इतना तो मैं आश्वस्त हो गया कि यहाँ फैकल्टी मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और इसलिए इनके साथ काम करने में आपको मजा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये दर्शन किसी परिसर के, किसी विश्वविद्यालय के दर्शन करने हो तो यही तो दर्शन हो सकते हैं। उसका छात्र कहाँ कहाँ है, कितना प्रतिशत किन किन क्षेत्रों में उसने प्रगति की है, ये है उसका मूल्यांकन, ये उसके अध्यापक का मूल्यांकन। एक व्यक्ति बोले मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत विद्वान हूँ, बहुत प्रखर हूँ, बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में मेरी पकड़ है, लेकिन यदि जमीन पर पकड़ नहीं होगी तो क्या करना है उस अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की पकड़ का। और इसलिए इस फैकल्टी ने ये साबित कर दिया कि इनकी पकड़ मजबूत है, ये जिसको भी पकड़ेंगे उसको हीरा बना करके और बाहर दुनिया के लिए तैयार करेंगे, ये तो इन्होंने साबित किया है। मेरी शुभकामना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आपके प्रेरणा के लिए, और इसके साथ ही आपके द्वारा इस देश को, इस देश के जनमानस को समावेशी व स्वदेशी परक शिक्षा नीति का उपहार देने के लिए, जिसमें भारत में रहो भारत में पढ़ो हेतु उत्साह वर्धन करने वाली ऐसी शिक्षा नीति आपने इस देश को दी, और आपका प्रेरणा उद्बोधन निश्चित तौर पर इसके द्वारा विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और आपके दूरदर्शी विचारों के द्वारा निश्चित तौर पर हमारा पथ प्रशस्त हुआ है, और आपके नेतृत्व में देश के शिक्षा क्षेत्र को नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से विश्व गुरु बनाने के लिए एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार व नव ज्ञान के सृजन के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए, और आपका जो ज्ञान की महाशक्ति के यज्ञ का संकल्प है, इसमें हम अपना योगदान देने के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इस योगदान में कोई भी कसर हम नहीं छोड़ेंगे। आप कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुल सचिव प्रोफेसर विनोद कुमार कर, अधिष्ठाता छात्र कल्याण को विनम्र निवेदन करता हूं कि महोदय धन्यवाद ज्ञापन की रस्म अदा करें। प्रोफेसर विनोद कुमार कर। धन्यवाद किसी के प्रति अपने भाव प्रस्तुत करने के लिए भले ही एक छोटा सा शब्द हो, परंतु इस शब्द में किसी के प्रति अपने भाव प्रकट करने का वह स्नेह व्यापक है जिसे व्यक्त करते हुए मेरे शब्द कोश में आज शब्दों की कमी महसूस हो रही है। आज का दिन विश्व भर में पांच पानी की धरती पंजाब के लोगों के लिए बेहद खास है। गुरुओं पीरों पैगंबरों की धरती पंजाब में आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नील का पत्थर स्थापित हो गया है जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा लाभान्वित होती रहेंगी। सबसे पहले मैं इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित माननीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रेरणा एवं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर मौजूद माननीय सांसद लोकसभा संसदीय क्षेत्र बठिंडा श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी द्वारा दिए गए सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में भी आपका स्नेह व सहयोग व आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए बना रहे। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर सरदार सिंह जोहर पद्म भूषण से सम्मानित
जिन्होंने सदैव विश्वविद्यालय का मार्गदर्शन एवं स्वयं के लंबे अनुभव से हमारा मार्ग सुगम बनाया का आभार व्यक्त करता। माननीय मंत्री जी, मैं आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि इस कैंपस में प्रवेश की राह बहुत कठिन एवं चुनौतियों भरी थी, परंतु इन चुनौतियों के साथ साथ संभावनाएं भी अपार थी। हमें इन समस्याओं और चुनौतियों से निरंतर पार पाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का बेहद सहयोग मिला। उनके द्वारा दिए गए इस सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार जी एवं अन्य अधिकारियों का धन्यवाद करता। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र तिवारी, संस्थापक कुलपति प्रोफेसर जयरूप सिंह, पूर्व कुलपति प्रोफेसर आर के कोहली का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रयासों में हम इस नए कैंपस में आज प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके सहयोग से विश्वविद्यालय में निर्माण कार्य हो पाया। आज इस गर्वमयी अवसर पर मैं देश की श्रम शक्ति को भी नमन करता हूँ, जिनकी कठिन मेहनत के परिणाम स्वरूप आज हम इस कैंपस का विशाल रूप देख पा रहे हैं। मैं इस अवसर पर उस प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस कार्य की पूर्ति के लिए अपना योगदान दिया। माननीय मंत्री जी, आज इस शुभ अवसर पर आपकी गर्वमयी उपस्थिति में मैं आपके कविता संग्रह कोई मुश्किल नहीं में से जागते रहते कविता की दो लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो निरंतर हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा देती है। जो जग जगते रहते हैं वो लक्ष्य शिखर पर है चढ़ते, घोर साधना की वेदी पर इतिहास नया वह रचते। जय हिंद जय भारत। क्या सरदार सिंह जौहर साहब भी उपस्थित हैं? तो उनको भी मैं अभिवादन कर रहा हूँ, उनको भी मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जी सर, उपस्थित नहीं है, हम आपके अभिवादन को उन तक पहुँचाएंगे सर। और कुलाधिपति जी को भी। जी 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 धन्यवाद श्रीमान। अब मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो। जनगण मन अधिनायक भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल वंदा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चर जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन जन मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सबका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।